एलेक्शन की अहमियत को भी समझने की ज़रूरत है कि एलेक्शन का जब मौका आता हम जिस मुल्क में रहते हैं ये जमहूरी मुल्क है यहाँ पर एलेक्शन हर इंडियन का मुल्क के हर बाशिंदे का हक है तो उसका सही इस्तेमाल एक सही लीडर मुल्क को देता और अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसे खिला के रिश्वत दे के लाखों करोड़ों रुपया बांट कर हज़ार रुपये पाँच सौ रुपये तकसीम करके किसी को शराब देकर किसी को खाना देकर किसी को घर देकर किसी को ज़मीन देकर उनका जमीर ख़रीद लिया जाता है और उसके बाद में फिर एक गुंडा चोर लुटेरा एक करप्ट इंसान सीट पर बैठता है तो फिर वो पूरे आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन तक लूटता है तो कसूर किसका हुआ कसूर अवाम का हुआ अवाम अगर अपनी जिम्मेदारी समझे और लोगों में शौर बेदार हो आज के जमाने की जो न्यू जनरेशन है वो तो वोट डालने की अहमियत को बिल्कुल भी समझी हुई नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है पिछले जमाने में हमारे बड़े खानदान के दादा पड़दादाओं ने इस मुल्क को बचाने के लिए कैसी कोशिशें करके कैसे लीडरों को चुने कैसे हुकूमतें गिरी कैसे हुकूमतें बनी वोट की ताकत क्या है हमारे नौजवान बच्चे जानते ही नहीं नौजवान नस्ल जानती नहीं मर्द भी नहीं जानते और भी नहीं जानते तो अब हमारे मुल्क के अंदर भी अगर हम किसी अच्छे नेक शरीफ अमानतदार हमदर्द रहमदिल लीडर को लाने की अगर हम कामयाब हो गए तो समझ लो कि मुल्क की पूरी फिजा अच्छी हो जाए अगर मुल्क की बड़े होदों पर अगर शरीफ रहमदिल और कौम का दर्द रखने वाले लीडर आ जाए ना तो समझ लो कि नीचे की जो रियाया है ना उनके अंदर भी वो असरात मुंतकिल होते अब मौका है इलेक्शन का है लड़का लड़कियां भी है नौजवान बच्चियां भी हैं औरतें भी हैं वोट डालने के हक़ को ज़ाय नहीं करना मुख्तलिफ़ अलग अलग फेसस में एलेक्शन हो रहे अभी तेरह तारीख़ को तेलंगाना में है और उसके बाद और भी जून की चार तारीख को रिजल्ट है जब तक और भी अलग अलग जगहों पर इलेक्शन है तो जिसका वोटर आई डी कार्ड है वो अपना वोट डालना ज़रूरी समझना सुबह जल्दी निकल के वोट डाल दे के आके घर में आराम करना है कर लेना लास्ट ईयर असेंबली एलेक्शनों में जो हालात देखने में मिले हमारे पास उससे अंदाजा लग रहा कि इलेक्शन कमीशन से बात करके ऑफिसरों को बोलना के साथ कम से कम हमारे शहर में इलेक्शन के दिन जो है सो वोट जो डालने का टाइम है ना वो सुबह सात बजे के बजाय शाम में सात बजे शुरू करो बोलना इसलिए सात बजे से टाइम है आ रहे चार बजे साढ़े चार बजे पाँच बजे टाइम खत्म है लेकिन पाँच साढ़े चार बजे चार बजे आके अब भीड़ लगाएंगे तो उनको भी परेशानी होती काम सही नहीं होता पूरा दिन खाली है दिन भर सो रहे आज एक दिन सोएंगे या इलेक्शन के एक दिन सोएंगे तो समझो समझोगे फिर आने वाले पाँच साल रोना ही है बाद लोग बोलते हम लोग मेरे एक वोट से क्या होता साहब मैं एक वोट नहीं दिए तो क्या होता बिल्कुल कुछ भी नहीं होता लेकिन आप अकेले नहीं दिए तो क्या था कि आप अकेले से नहीं देना तो एक वोट से कुछ भी नहीं होता क्योंकि करोड़ों की आबादी है लाखों के वोटर से लेकिन आपके जैसा बहुत है सोचने वाले हर कोई बोल रहा मेरे एक से क्या होता मेरे एक से क्या होता मेरे एक से क्या होता सौ में से करीब तीस चालीस लोग तो वोट नहीं दे रहे फोर्टी परसेंट लोग वोट नहीं दे रहे गुजर रिजल्ट आया आप देखो किसका परसेंटेज लोगों ने वोट दिया सौ में से साठ लोग वोट नहीं दिए तो साठ लोग यही सोच रहे मेरे एक वोट से क्या होता अरे अगर चालीस वोटों से हुकूमत बन गई ना सौ में से चालीस वोट आए तो हुकूमत बन गई अगर साठ वोट दे 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 तो एक नई हुकूमत बन जाती थी मेरे एक से क्या होता बोरे ना आपकी एक वोट से एक नई हुकूमत बन सकती क्योंकि आपका जैसा बोलने वाले बहुत है मेरे एक से क्या होता मेरे एक से क्या होता सब छोड़ते जा रहे तो इसी तरीके से क्या है गलत किस्म के लीडर आ जा रहे इसीलिए अपने वोट की अहमियत को समझना जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेरे एक के घर में नहीं रहने से क्या होता अरे कैसा भाई मैं नहीं रहे तो कैसा चलता घर बोल के बोलते तो जैसा मैं एक अपने घर के लिए अहम हूँ वैसे ही मैं अपने मुल्क के लिए भी अहम हम वोट के सिलसिले में गफलत नहीं करना बिल्कुल गफलत नहीं करना और वोट डालने के सिलसिले में बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत देना अब बाज़े लोग ये बोल के वोट नहीं देते अरे हम दिए तो आता क्या हम रिस्कू दिए उनको आता इसने भाई, जो जीतना है उन्होंने जीतते जो जीतना है उन्होंने जीतते नहीं जीतते बात की बात है कम से कम हम वोट दिए तो हम जिंदा है बल्कि तो प्रूफ होता कम से कम हमारा ज़मीर ज़िंदा है बल्कि प्रूफ होता हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे उन्हें जीता नहीं जीता दूसरी बात है कम से कम हमारा अपना ज़मीर तो जीत जाता अरे हाँ भाई नो जिंदा है नो वोट दे के प्रूफ कर दिया मैं जिंदा हूं मेरा ज़मीर ज़िंदा है मैं करप्शन के खिलाफ हूं मैं झूठ के खिलाफ हूं मैं ओम के खिलाफ हूं मैं धोखाधड़ी के खिलाफ हूं मैं होने वाले मजलूमों पर मों के खिलाफ हूं मैं इंसाफ का अमन का मैं चाहने वाला हूं कम से कम ये तो प्रूफ होता वो जीतो नहीं जीतो दूसरी बात है कम से कम इतना मालूम होता कि इस रियासत में इस स्टेट में इस पोलिंग बूथ के अतराफ अकनाफ में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर कम से कम अमन चाहने वाले इतने लोग हैं मालूम है। इस वजह से वोट डालना अपना हक समझना मुल्क को जालिम के हाथों से रोकने का एक बेहतरीन जरिया है लिहाजा इस मरतबा का जो वोट है हम उसको इस्तेमाल करें और आने वाले भी जो वोट आते रहेंगे उसको इस्तेमाल करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है